Care of dying patients. This video is for BSc first year. This is the revision class and in continuation with the previous video. Changes in body after death. Rigor mortis. Rigor mortis क्या होता है? Body जब death के बाद stiff हो जाती है उसको हम बोलते हैं rigor mortis. Body becomes stiff within 4 hours after death as a result of decreased ATP production. ATP keeps muscles soft and supple. तो ATP production कम हो जाता है death के बाद. तो 4 घंटे बाद death के जब ATP production कम हो जाता है तो muscle जो है एकदम stiff हो जाते हैं. क्योंकि ATP क्या करता है? ATP muscles को soft रखता है. So this is rigor mortis. Algor mortis, temperature decreases by a few degrees each hour. The skin loses its elasticity and will tear easily. तो algor mortis में क्या होता है कि temperature body का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और temperature कम होने की वजह से skin जो है elasticity जो उसकी elasticity होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो easily tear होने लगती है. Liver mortis dependent parts of the body becomes discolored. तो liver mortis में क्या होता है कि जो dependent part है body के वो discolor हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर pooling होने लगती है blood की. Blood एक जगह जमा होने लगता है. The patient will likely be lying on their backside being the dependent body part. The discoloration is a result of blood pooling as the hemoglobin breaks down. और जैसे hemoglobin break होता है और blood pool होता है तो जो dependent part होता है body का वहाँ पे discoloration होने लगता है. So that is liver mortis. Care of body after death या फिर postmortem care, इसको हम postmortem care भी बोलते हैं या जो death के बाद जो हम body का care करते हैं that is also known as postmortem care. और postmortem autopsy को भी बोलते हैं. Postmortem is different and postmortem care is different. Postmortem care is the care of body after death. एंड postmortem जो हम opening up the body करते हैं for viewing the inside organs, that is autopsy. After the physician has pronounced death legally, documented the death in the medical record, care of body is usually performed by the nurse. और जब legally physician ये लिख लेता है, document कर लेता है कि patient is now dead, तो तब हम start करते हैं अपना care of body of the death. एन अटॉप्सी और ये हमेशा फिजिशियन ही डिक्लेयर करता है डेथ को. नर्स कभी डिक्लेयर नहीं कर सकती कि पेशेंट हैज़ डाइड. इट इज़ द राइट ऑफ द फिजिशियन ओनली टू डिक्लेयर दैट द पेशेंट हैज़ डाइड. एन अटॉप्सी कंसेंट मे बी रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड इफ रिक्वायर्ड. और अगर डेथ के बाद कभी अटॉप्सी करना चाहते हैं पेशेंट के घर वाले तो उसके लिए पहले हमें कंसेंट लेना है. या अगर ये MLC होता है पुलिस केस होता है तो उसके लिए भी पहले कंसेंट लेना होता है घर वालों से. इफ़ द पेशेंट इज़ टू बी एन ऑर्गन डोनर अरेंजमेंट्स विल बी मेड इमीजिएटली. और अगर पेशेंट ऑर्गन डोनर है तो जल्दी से अरेंजमेंट करना है हमें. द फैमिली ऑफन विशेज टू व्यू द बॉडी बिफोर फाइनल प्रिपरेशन आर मेड दे मे बी अलाउड. तो हमेशा फैमिली चाहती है कि पहले वो देखना चाहती है अपने जो भी उनके रिलेटिव होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है तो उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो देख सकें. फिर इफ़ द पेशेंट हैड एनी वैल्यूबल्स दे आर हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स. और अगर कोई वैल्यूबल्स होते हैं तो वो रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देना है. वैसे तो हम जो भी वैल्यूबल्स होते हैं वो एडमिशन के वक्त ही रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देते हैं बट स्टिल अगर कोई भी अदर वैल्यूबल्स बाकी रहते हैं पेशेंट की बॉडी पे तो वो हमें तभी रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देना है. पर्पस इज मेक बॉडी लुक एज नेचुरल एंड ब्यूटिफुल एज पॉसिबल. परफॉर्म हिज लास्ट ड्यूटी टेंडरली. Protect other patients from unpleasant sights and sounds which could frighten them. तो जब हम केयर ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि बॉडी शुड लुक नेचुरल एंड ब्यूटिफुल.
और फिर उसके बाद हमें जो उसकी लास्ट ड्यूटी है वो हमें टेंडरली करना है, उतने ही कंपैशन से करना है जैसे हम किसी अपने का केयर कर रहे हो। अपने जो हमारा अपना होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, जब हम उसके लास्ट ड्यूटीज कर रहे होते हैं, वैसे ही हमें किसी पेशेंट के लिए भी करना है। प्रोटेक्ट अदर पेशेंट्स फ्रॉम अनप्लेजेंट साइट्स एंड साउंड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे लिए तो ये एक कॉमन सी चीज़ हो जाती है जब हम काम करने लगते हैं हॉस्पिटल में कि कोई पेशेंट की डेथ हुई है और हम उसका आफ्टर केयर कर रहे हैं, केयर ऑफ बॉडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए कॉमन है पर दूसरे पेशेंट्स के लिए कॉमन नहीं है। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है फ्रॉम द अनप्लेजेंट साइट्स एंड साउंड्स। आर्टिकल्स रिक्वायर्ड, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिए होते हैं? आर्टिकल्स फॉर बाथ, जो हम बाथ के लिए जो आर्टिकल्स यूज़ करते हैं वही आर्टिकल्स हम इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि हम डेड बॉडी को क्लीन करने वाले हैं। एक्स्ट्रा बैंडेजेस एंड कॉटन स्वैब्स, और फिर एक्स्ट्रा बैंडेजेस चाहिए और कॉटन स्वैब्स चाहिए। कॉटन स्वैब्स हम उन जगहों पर लगाएंगे जहाँ से खून आने का डर होता है, जैसे कि नाक से और ओरिफिसेस से, ओरिफाइसेस जैसे कि वजाइनल ओरिफाइस, रेक्टम, यहाँ से खून आने का डर होता है तो या फिर कोई भी बॉडी सिक्रीशंस आने का डर होता है तो यहाँ पे हम कॉटन स्वैब भरेंगे। और जहाँ पे पेशेंट का कैनुला लगा था वो एरिया में भी क्लॉटिंग होना बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी आफ्टर डेथ। बिफ़ोर डेथ तो क्लॉटिंग ईजीली हो जाती है लेकिन आफ्टर डेथ क्लॉटिंग बहुत मुश्किल से होती है, तो वहाँ से भी खून आता रहता है, तो उस एरिया में भी हम कॉटन लगाकर या गॉस लगाकर अच्छे से उस एरिया को बैंडेज करेंगे। पेरिनियल पैड्स, पेरिनियल पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में हम डाइपर्स यूज़ करते हैं, जो अडल्ट डाइपर्स आते हैं वो हम यूज़ करते हैं। शीट्स, दो शीट्स यू हम यूज़ करते हैं पेशेंट को कवर करने के लिए। देन रीस्ट्रेन फॉर जॉ, हैंड्स एंड लेग्स, रीस्ट्रेन्स हम लगाते हैं, रीस्ट्रेन्स हम रीस्ट्रेन्स जो यूज़ करते हैं वो बैंडेजेस से ही करते हैं। बैंडेज से ही हम जॉ को बंद करते हैं, जो मुंह खुला हुआ होता है मुंह को बंद करते हैं। मुंह को बंद करने के लिए हम जॉ बैंडेज, जैसे हम जॉ बैंडेज करते हैं कि चिन के नीचे से बैंडेज को लेके जाते हैं, हेड के ऊपर तक लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे बांधते हैं, तो वो जॉ बैंडेज हम यूज़ करते हैं मुंह को बंद करने के लिए। हैंड्स को एक साथ लेकर आते हैं और फिर अंगूठे से अंगूठे को टाई करते हैं। लेग्स में भी जो फीट का अंगूठा है, जो बड़ा बिग टो है, बिग टो को बिग टो से बांधते हैं। पेयर ऑफ ग्लव्स जो केयर ऑफ बॉडी कर रहा है उसके लिए चाहिए। थंब फोर्सेप्स, पेशेंट्स ओन सेट ऑफ क्लोथ्स ये ज़रूरी नहीं भी है और ये हॉस्पिटल पॉलिसी पे डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर इंडिया में तो मैंने देखा है कि हम पेशेंट को उनके कपड़े नहीं पहनाते। हम जो हॉस्पिटल की तरफ से जो मॉर्चरी से जो हमें क्लॉथ मिलता है, बेडशीट मिलती है, बेडशीट या क्लॉथ मिलता है, दो शीट्स मिलती है हमें मॉर्चरी से, वही शीट्स को हम यूज़ करते हैं पेशेंट को कवर करने के लिए, तो पेशेंट के क्लोथ्स हम नहीं पहनाते। लेकिन अगर रिलेटिव चाहते हैं कि पेशेंट को क्लोथ्स पहनाया जाए तो हम पहना सकते हैं पेशेंट को क्लोथ्स। देन प्रोसीजर, नर्सिंग एक्शन, वॉश हैंड्स एंड पुट ऑन ग्लव्स, तो पहले हमें हाथ धोना है और ग्लव्स डालना है। एंड व्हाई डू वी डू दैट, व्हाट इज़ द रैशनल, इट हेल्प्स प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। सून द डेथ इज प्रोनाउंस्ड, रिमूव द बैकरेस्ट, एक्स्ट्रा पिलोस एंड जेंटली पुट द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन विद द हेड एलिवेटेड ऑन द पिलो। तो जैसे ही डेथ प्रोनाउंस हो गई है तो जितना भी एक्स्ट्रा पिलोज है वो सब रिमूव कर देना है और पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में लिटाना है। Keeping the patient in supine position prevents postmortem hypostasis of blood. तो जब हम पेशेंट को supine position में रखते हैं तो postmortem hypostasis को रोकता ही है। The body after death should look as normal as possible.
देन पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर डेथ बिकॉज ऑफ द राइगर मोर्टिस. तो हम एक नॉर्मल पोजिशन मेंटेन करके रखेंगे पेशेंट का, ताकि अगर राइगर मोर्टिस होता है तो हमें बॉडी को हिलाने की ज़रूरत ना पड़े. क्लोज द आइज ऑफ द पेशेंट, जैसे ही बॉडी जैसे पेशेंट डेथ हो जाती है तो हमें पेशेंट की आंखों को बंद करना है और उनके हाथों को स्ट्रेट करना है, उसके पोजीशन को ही पूरा पूरी बॉडी को स्ट्रेटन करना है, ताकि अगर राइगर मोर्टिस होता है तो हम उसके बाद नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमें पहले से करके रखना है. Remove all tubes and other devices from the patient's body. So as soon as the patient is dead, we need to remove all the tubes and other devices from the patient's body so that the patient looks more peaceful. Consult close relative before preparing the body for removal from the ward to the mortuary where the relatives will receive the body. So next we need to call the relatives before preparing the body for removal from the ward to the mortuary. पहले हमें relatives को बुलाना है, और relatives आकर tubes वगैरह जब हम निकाल लेते हैं तब हम relatives को बुला सकते हैं, उनको वो आके देख सकते हैं body को, फिर उसके बाद हम next step कर सकते हैं. If the relatives require, the nurse should help them to sponge the patient as necessary, brush and comb hair. तो जो इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और बाहर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सब ये सब नर्सेज ही करती हैं, बॉडी को क्लीन करके, उनको उसको कोम करके या ब्रश करके, बाद में फिर जो क्लॉथ मिलता है उससे कवर करती है. लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वार्ड बॉयज वगैरह करते हैं या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स करते हैं. Replace soil dressing with cleaned ones. So we need to replace the soil dressing with clean ones. जो जितनी भी ड्रेसिंग वगैरह है उसको क्लीन ड्रेसिंग से रिप्लेस करना है. देन अप्लाई पेरिनियल पैड्स. पेरिनियल पैड्स या फिर यू कैन ऑल्सो गिव अडल्ट डाइपर्स. एंड प्लग द रेक्टम एंड वजाइना विद कॉटन बॉल्स. प्रोवाइड क्लीन क्लॉथ्स. सो वी कैन the two cloths which are given by the mortuary, two bed sheets मिलती हैं हमें mortuary से. एक से हम wrap करते हैं body को और दूसरा हम ऊपर से ऐसे ही डाल देते हैं body के. Hand over the personal belongings of the patient to the family members. Allow members of the family to see the patient and remain in the room, and remember that the body is still dear to someone. Close the body from side to side and head to toe with sheet. Prepare the identification sheet and attach it to the patient's back sheet. और जब हम patient की body को cover कर देते हैं तो उसके ऊपर हम एक identification sheet लगाते हैं, जिसमें patient का नाम, MRD number, age, sex और उसका time of death और डेट ऑफ डेथ, वो सब लगाकर एक शीट पर उसको चिपकाते हैं. देन अटैच अ स्पेशल लेबल इफ़ अ पेशेंट हैज़ अ कॉन्टैजियस डिजीज़. और अगर पेशेंट किसी कॉन्टैजियस डिजीज़ से मरा है, जो फैलती है बीमारी उससे मरा है, तो हमें स्पेशल एक लेबल लगाना है. ट्रांसफ़र द बॉडी टू द मॉर्चरी. और उसके बाद बॉडी को मॉर्चरी भेजते हैं. रिमूव कंटामिनेटेड आर्टिकल्स फ्रॉम द रूम. और फिर रूम में जितने भी कंटामिनेटेड आर्टिकल्स है उसको रिमूव करते हैं, और रूम को, यूनिट को फिर से दूसरे पेशेंट को रिसीव करने के लिए हम पहले यूनिट को डिसइंफेक्ट करते हैं. So this was the care of the body after death. Then advanced directives. Advanced directives kya hota hai? Advanced directive is a Scottish term, but in the other parts of the UK these documents are also called advanced decisions. इसका दूसरा नाम है advanced decision. Advanced directive tells the healthcare team what kind of care the patient would like to have if he is unable to make medical decisions. तो एडवांस डायरेक्टिव में ये लिखा होता है कि पेशेंट कौन, किस टाइप का केयर पेशेंट को चाहिए. जब वो अपने लिए डिसीशन नहीं ले पाता तो तब वो पहले से ही लिख लेता है. सपोज़ एक पेशेंट का एडमिशन हुआ, उसको टर्मिनल इलनेस है. टर्मिनल इलनेस मतलब कि पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई.
तो पेशेंट से पहले ही हम एडवांस डायरेक्टिव्स ले लेंगे। पेशेंट से हम एक फॉर्म फिल करवाते हैं, उसमें हम पूछते हैं कि किस तरीके का केयर उन्हें चाहिए होगा अगर इन केस वो कोमा में चला जाए, क्योंकि कोमा में जब वो चला जाएगा तो वो अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो हम पहले ही उससे पूछ लेते हैं कि किस तरीके का केयर उनको चाहिए इन केस जब वो कोमा में चला जाता है या जब वो अपने लिए डिसीशन नहीं ले पाता, वो मेंटली या अनकॉन्शियस हो जाता है, अपने लिए कोई भी डिसीशन नहीं ले पाता। तो दैट इज़ नोन एज एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस में ही हम पेशेंट से ये ले रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ केयर ही रिक्वायर्स व्हेन ही विल बी अनेबल टू मेक मेडिकल डिसीशंस। अ गुड एडवांस डायरेक्टिव डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट द पेशेंट वुड वॉन्ट डिपेंडिंग ऑन द सिकनेस। तो एक गुड एडवांस डायरेक्टिव वो है जो ये बताता है कि किस तरीके का ट्रीटमेंट पेशेंट को चाहिए होगा डिपेंडिंग ऑन द सिकनेस। एन एडवांस डायरेक्टिव अलाउज यू टू मेक अ रेफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट इन एडवांस ऑफ अ टाइम वेन यू कैन नॉट कम्युनिकेट योर विशेज और डोंट हैव द कैपेसिटी टू मेक अ डिसीजन। इट ओनली कम्स इन टू इफेक्ट इफ आइदर ऑफ दीज सिचुएशंस अकर। तो एक एडवांस डायरेक्टिव वो है जो पेशेंट की हेल्प करती है इन मेकिंग रेफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंसर का पेशेंट है और वो पेशेंट जो है उस पेशेंट को पता है कि कुछ दिनों बाद मैं मरने वाला हूँ, तो वो पेशेंट लेकिन वो पेशेंट ये चाहता है कि जब मैं मरने वाला हूँ तो मुझे कोई इंट्यूबेट ना करे, मेरे अंदर कोई ट्यूब ना डाले और मुझे कोई रिससिटेट ना करे, CPR देकर वापस ना लाए। तो वो एडवांस डायरेक्टिव में लिख लेता है पेशेंट कि डू नॉट इंट्यूबेट मी इफ़ आई एम अबाउट टू डाई या डू नॉट रिससिटेट मी। ये पेशेंट के विल्स होते हैं, इसको हम लिविंग विल भी बोलते हैं। और पेशेंट ये बताता है डॉक्टर को कि जब मैं मरने वाला हूँ या जब मैं मर जाऊँ तो मुझे रिससिटेट मत करना। तो इट गिव्स देम द राइट टू मेक रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट इन एडवांस ऑफ द टाइम वेन यू कैन नॉट कम्युनिकेट योर विशेस। वो अपने विशेस पहले से ही बता देता है और इन एडवांस ऑफ टाइम जब वो नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए, जब हम पेशेंट के बारे में नहीं जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो या कोमा में हो तब हम पेशेंट से नहीं पूछ सकते कि अब हमें कैसे आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसीलिए पेशेंट एडवांस में ही बता देता है और एडवांस में ही अगर उसको कोई ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ करना है तो एडवांस में ही कर देता है। इट कन ओनली कम्स इन टू इफेक्ट इफ आइदर ऑफ दीज सिचुएशंस हैव अकर। और ये ज़रूरी है, इसमें एडवांस डायरेक्टिव हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट अपनी विश को नहीं बता सकता या फिर पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो, तभी हम एडवांस डायरेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट अपनी विश को बता सकता है, पेशेंट कॉन्शियस है, उसको वो अपने लिए फैसला ले सकता है, तो तब हम एडवांस डायरेक्टिव्स को यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन यूज़ एन एडवांस डायरेक्टिव टू रिफ्यूज़ एनी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट सच एज रिससिटेशन, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और ब्रीथिंग मशीन्स। ब्रीथिंग मशीन जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, रिससिटेशन CPR वगैरह, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन जैसे कि TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हो गया, हाइड्रेशन कि IV फ्लूइड्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों को अगर रेफ्यूज़ करना चाहता है पेशेंट तो वो पहले से ही रेफ्यूज़ कर सकता है। एन एडवांस डायरेक्टिव एनेबल्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू नो व्हाट योर विशेस आर इवन इफ यू कैन नॉट टेल देम योर सेल्फ। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड सीवियर डिमेंशिया और वर इन अ कोमा, इफ़ यू चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर एडवांस डायरेक्टिव। और इन केस अगर पेशेंट अपनी माइंड बदल लेता है, वो अपनी सोच बदल रहा है कि नहीं, पहले मैंने ऐसा बोला था एडवांस डायरेक्टिव के लिए और अब मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा हो, तो वो चेंज कर सकता है एडवांस डायरेक्टिव को। लेकिन उसके लिए उसको साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब उसे पूरा होश में होना चाहिए, तब वो अपने एडवांस डायरेक्टिव को भी चेंज कर सकता है। इफ़ यू हैव मेंटल कैपेसिटी एंड कैन कम्युनिकेट योर विशेज देन योर एडवांस डायरेक्टिव विल नॉट अप्लाई।
अगर तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी है और तुम कम्युनिकेट कर सकते हो अपने विशेस को, तो एडवांस डायरेक्टिव फिर अप्लाई नहीं होता. एडवांस डायरेक्टिव सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब यू कैन नॉट कम्युनिकेट योर विशेस, व्हेन यू डोंट हैव मेंटल कैपेसिटी. An advance healthcare directive is a generic term for a document that instructs others about your medical care should you be unable to make decisions on your own. It only becomes effective under the circumstances delineated in the document and allows you to do either or both of the following. So, advance healthcare directive mein aap kya kya kar sakte hain? Appoint a healthcare agent. Aap या तो हेल्थ केयर एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं. कि हेल्थ केयर एजेंट का मतलब है जब मैं अपने लिए डिसीशन ना ले पाऊँ तो मेरा कोई क्लोज रिलेटिव मेरे लिए डिसीशन ले, तो दैट इज़ नोन एज अपॉइंटिंग अ हेल्थ केयर एजेंट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी मरने वाली हूँ तो मैं अपने लिए डिसीशन नहीं ले पाऊँगी, तो मेरे लिए जो डिसीशन है वो मेरी बेटी ले या मेरा बेटा ले, तो दैट इज़ नोन एज अपॉइंटिंग अ हेल्थ केयर एजेंट. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक हेल्थ केयर एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं जो हमारे लिए डिसीशन ले सके जब हम अपने लिए डिसीशन ना ले पाए. या फिर प्रिपेयर इंस्ट्रक्शंस फॉर हेल्थ केयर, या फिर हम खुद ही इंस्ट्रक्शंस को प्रिपेयर करके रखें हेल्थ केयर के लिए, और इसको हम लिविंग विल भी बोलते हैं. कि पहले से ही हम इंस्ट्रक्शंस बना के रखें कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है तो फिर जो डॉक्टर है वो क्या करें, और इस चीज़ को हम लिविंग विल भी बोलते हैं. दो तरीके की विल है. एक तो विल वो होती है जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह, हम अपनी प्रॉपर्टीज़ किस किस को देना चाहते हैं उसको भी हम विल बोलते हैं. बट दिस इज़ लिविंग विल. लिविंग विल में हम ये लिख के जाते हैं, हम ये लिखते हैं कि अगर सिचुएशंस ख़राब हुई, मैं अनकॉन्शियस हो गई या मैं कोमा में चली गई, तो डॉक्टर क्या करें. दैट इज़ नोन एज लिविंग विल. अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट फॉलोड इन इंडिया, दिस इज़ ओनली फॉलोड इन फॉरेन कंट्रीज. In UK and all it is followed, but I think it should be followed. Iske importance kya kya hai? While most people would prefer to die in their own homes, the norms is still for terminally ill patients to die in the hospital, often receiving ineffective treatment that they may not really want. Their friends and family members can become embroiled in bitter arguments about the best way to care for the patient and consequently miss sharing the final stages of life with their loved ones. Also, the opinion and the wishes of the dying person are often lost in all the chaos. तो क्या होता है कि जब भी कोई मरने वाला होता है, जब भी कोई अनवांटेड सिचुएशन होती है हमारे सामने, तो फैमिली मेंबर्स में डिस्प्यूट होने लगता है, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इस हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, और कुछ बोलते हैं नहीं हमें ऐसा करना चाहिए और हमें इस हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, ऐसा केयर करना चाहिए वैसा केयर करना चाहिए, और कुछ बोलते हैं हमें वैसा नहीं ऐसा करना चाहिए. तो इस आर्ग्यूमेंट के बीच में जो है जो पेशेंट है वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाता और फैमिली मेंबर्स जो है आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, और फैमिली मेंबर्स जो एक ये जो प्रेशियस टाइम है पेशेंट का, क्योंकि ये इसके लास्ट टाइम है, इसके बाद हो सकता है कि वो ना रह सके, तो वो लास्ट टाइम भी खो देते हैं फैमिली मेंबर्स और आर्ग्यूमेंट्स में ही लगे रहते हैं. और तो जो टर्मिनली इल पेशेंट्स है वो भी चाहते हैं कि जब हमारा लास्ट टाइम हो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं रह पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें हम नहीं दे पाते अगर एडवांस डायरेक्टिव ना होता. तो पेशेंट पहले से ही अगर लिख के जाएगा कि इन माय लास्ट आवर्स आई वांट टू बी एट होम विद माय फैमिली मेंबर्स एंड विद माय फ्रेंड्स, ऐसे अगर लिख के जाएगा तो पेशेंट को पहले से ही हम जो है विद फ्यू सपोर्ट्स, लाइफ सपोर्ट्स जैसे ऑक्सीजन वगैरह, हम पहले से ही पेशेंट को घर में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो ऐसा हम कर सकते हैं एंड देर विल बी नो आर्ग्यूमेंट्स इन फैमिली मेम्बर्स की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ये ऑलरेडी पेशेंट ने अपने लिए डिसाइड कर लिया है.
It is impossible to know what a dying person's wishes truly are unless the issues have been discussed ahead of time. तो जब तक हम ये चीज़ को पहले से डिस्कस नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो पर्सन, जो डाइंग पर्सन है, वो क्या चाहता है. तो इसीलिए एडवांस डायरेक्टिव क्या क्या करती है, ये इश्यूज़ को पहले से डिस्कस कर लेती है ताकि हमें पता हो कि जो मरने वाला है वो क्या चाहता है. यूथनेशिया लिटरली मीन्स गुड डेथ. यूथनेशिया का मतलब होता है गुड डेथ. It is basically to bring about the death of a terminally ill patient or a disabled. Generally, the word euthanasia is defined as an act or practice of painlessly putting to death or withdrawing treatment from a person suffering an incurable disease. तो euthanasia में या तो हम painless death देते हैं patient को, या फिर patient को जो है withdraw कर देते हैं treatment से, ताकि वो ताकि उसकी suffering जो है कम हो जाए. From the definition, one can say that euthanasia is an unethical act as much as it is a great sin for those who strongly believe in God. तो euthanasia क्या है? ये एक unethical act है. Unethical act means it is not legal. Or those who believe in God, even in religion also, it is not permitted to give a painless death to a patient. Euthanasia is an intentional killing another person to relieve his or her sufferings. It is not the withdrawal or withholding of the treatment that results in death or necessary pain and symptom release treatment that might shorten life. If that is not, that is the only effective treatment. It is the intentional killing by act of omission or of a dependent human being for his or her alleged benefits. टाइप्स ऑफ यूथनेशिया. तो यूथनेशिया में हम दो चीज़ें करते हैं. एक्टिव यूथनेशिया में हम पेशेंट को डिलिबरेटली वी एंड समवंस लाइफ, पेशेंट की लाइफ को एंड कर देते हैं हम जानबूझ के. और ये हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हम किसी को सिडेटिव्स की लार्ज डोज दे दिए. सिडेटिव्स मतलब स्लीपिंग पिल्स या फिर स्लीप के इंजेक्शंस के लार्ज डोसेस दे दिए, तो तब हम किसी की लाइफ को एंड कर रहे हैं. दैट इज़ एक्टिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया बेसिकली हम इसमें पेशेंट के लिए कर रहे हैं, जो पेशेंट बहुत दिनों से सफ़र कर रहा है और वो सफरिंग सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम पेशेंट के लिए उसको लिविंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं. दैट इज़ एक्टिव यूथनेशिया. पैसिव यूथनेशिया इज़ जब हम पेशेंट को विड्रॉ कर देते हैं ट्रीटमेंट से, जब हम पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, उसकी एंटीबायोटिक्स वगैरह बंद कर देते हैं. जिस एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट है, जिन दवाइयों पे पेशेंट है, जो दवाइयाँ पेशेंट के लाइफ स्पैन को बढ़ा रही है, जो दवाइयाँ पेशेंट की लाइफ स्पैन को बढ़ा रही हैं, उन दवाइयों को अगर हम होल्ड कर देते हैं, ट्रीटमेंट को होल्ड कर देते हैं, पेशेंट को नहीं देते, दैट इज़ नोन एज पैसिव यूथनेशिया, क्योंकि उसके थोड़े दिन बाद पेशेंट खुद ही खुद मर जाएगा. देन वॉलेंट्री यूथनेशिया. वॉलेंट्री यूथनेशिया में वेयर अ पर्सन कम्स मेक्स अ कॉन्शियस डिसीजन टू डाई एंड आस्क फॉर हेल्प टू डू दिस. वॉलेंट्री यूथनेशिया में जब पेशेंट खुद ही ये एक डिसीजन लेता है कि मुझे मरना है, नाउ आई एम फेड अप ऑफ दिस लाइफ, और वो हेल्प मांगता है किसी और से, दैट इज़ वॉलेंट्री यूथनेशिया. देन नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गिव देयर कंसर्न, फॉर एग्जांपल बिकॉज दे आर इन अ कोमा और आर सीवियरली ब्रेन डैमेज्ड, एंड अदर पर्सन टेक्स द डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, ऑफन बिकॉज द इल पर्सन प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड अ विश फॉर देयर लाइफ टू बी एंडेड इन सर्कमस्टांसेस. तो जब कोई पर्सन किसी के जो पेशेंट है वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाता, लेकिन कोई और पर्सन उसके लिए डिसीजन लेता है उसके बिहाफ पर, कि अब इसको हमें
जाने देना चाहिए, क्योंकि ही हैज़ बीन सफरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अभी हम इसको जाने दें वो ही सही होगा. दैट इज़ नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया, जब वो पेशेंट खुद अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाता बल्कि कोई और डिसीजन लेता है उसके लिए, दैट इज़ नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया. इन वॉलेंट्री यूथनेशिया व्हेन अ पर्सन इज किल्ड अगेंस्ट देयर एक्सप्रेस्ड विशेस, और जब पर्सन को हम मार देते हैं बिना उनके विशेस के, बिना उसके विशेस के, दैट इज़ इनवॉलेंट्री यूथनेशिया. थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.